जी बिल्कुल, इस वक्त नाज़रीन में मौजूद हूँ डेरा इस्माइल ख़ान के बाज़ार में, जो कि रमज़ान आने वाला है, इसके साथ साथ एशियाए खुरनोश की भी पर लग गई है। हम डेरा इस्माइल ख़ान के आवाम से जानेंगे ये महंगाई के हवाले से, आप हमारे साथ रहिए। देखो, हालात मुल्क ख़राब है, हमें वज़ीर आज़म से यही अपील है कि महंगाई ज़रा कम किया जाए। अभी माह रमज़ान भी आगे आ रहा है, और इस हवाले से आपका क्या ख्याल है इमरान ख़ान साहब? हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएँ? हम तो बेरोज़गार बैठे हैं यहाँ पर, मुल्क की तबाही हो रही है। आप बराए मेहरबानी महंगाई ख़त्म कर दें और मुल्क को दोबारा वैसे ही बना दें जैसे था। महंगाई तो बहुत है भाई जान, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि महंगाई माह रमज़ान में थोड़ी सी कम करे, क्योंकि आवाम को कोई सहूलत मिले माह रमज़ान में। इतनी महंगाई है कि आवाम एक तो कोरोना वायरस की वजह से ना बहुत परेशान है आवाम, और ऊपर से महंगाई की वजह से हुकूमत को चाहिए कि इस माह रमज़ान में आवाम को कोई सहूलत दे। फ्रूट को देख लें, खजूर को देख लें, खुश खजूर है अभी से महंगी हो गई, जहाँ में शीरी हैं मुआवजा है अभी से महंगी हो गई है। अच्छा, फ़िलहाल अभी सब्ज मरच 40 रुपए का किलो है, और इंशाल्लाह रमज़ान से दो दिन पहले आपको 10 रुपए की सब्ज मरच नहीं मिलेगी, 10 रुपए की सब्ज मरच आपको नहीं मिलेगी। टमाटर अभी अल्हम्दुलिल्लाह 40 रुपए किलो है, और इंशाल्लाह रमज़ान से दो दिन पहले मैं ये दावे से कहता हूँ कि आपको कम से कम 150 रुपए किलो मिलेंगे। ये अभी से ये हालत है। पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं गरीब के इस्तेमाल की, आटा है, चीनी है, यही है। खुदा की कसम, रोज़ाना नया रेट होता है, सुबह एक रेट होता है, शाम को और रेट होता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आप लोगों ने सुना कि एशियाए खुरनोश की जो चीज़ है इसमें बेतहाशा इजाफा होता गया, आवाम का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि माह रमज़ान में रिलीफ दिया जाए। कैमरा मैन अशेक मसूद के साथ सुहेल जलंधर, T24 न्यूज़, डेरा इस्माइल ख़ान।